हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपके माउथ के अराउंड जो डार्कनेस हो जाती है, जिसको हम डार्क पैचेस कहते हैं, वो आप घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं। वैसे तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, पर ये जो होती है ये हमारे पूरे फेस पर नहीं होती है, हमारे माउथ के अराउंड ही होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक स्क्रब और एक मास्क, जिसको अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि एक हफ्ते में जितने भी आपके डार्क पैचेस थे या फिर डार्कनेस थी, वो सब दूर हो जाएगी। और ये स्क्रब आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करना है, पर आपको स्क्रब बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से नहीं करना है, आपको बहुत जेंटल तरीके से करना है। क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रगड़ के करेंगे तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देगा, जिसकी वजह से वो डार्क पैचेस की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आपको जेंटल तरीके से करना है। और ये पैक आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आप डेली भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्क्रब, ये स्क्रब बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच ओट्स, उसके बाद आपको इसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस ऐड करना है, और उसके बाद आप 2 चम्मच कच्चा दूध डाल लेंगे और आपको इसका अच्छे से पेस्ट बनाना है। अब ये स्क्रब मैं अपने माउथ के अराउंड लगा लूंगी, क्योंकि स्क्रबिंग करने से हमारे फेस पर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल, डर्ट और पसीना होता है वो निकल जाता है, और ये डेड स्किन को रिमूव करता है, और माउथ के अराउंड जो डार्क पैचेस हो जाते हैं उनको हटा के स्किन को क्लियर करता है। और ओट्स में सेपोनिन होता है, जो स्किन की डीप क्लिंजिंग करता है। और आपको ये बहुत जेंटल तरीके से करना है, आपको हार्श तरीके से नहीं करना है, नहीं तो आपकी स्किन इरिटेट होकर हर्ट हो सकती है। और जिस तरह से आपको स्टेप्स दिखाए गए हैं, आपको यही स्टेप्स 3 से 4 बार रिपीट करना है, और आपको ये 3 से 4 बार करना है। अब उसके बाद मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी, और ये स्क्रबिंग आप हफ्ते में 1 से 2 बार भी कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन को कोई भी इरिटेशन नहीं होगी। पैक, ये पैक बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच बेसन, उसके बाद आपको इसमें 1 चम्मच टमाटर का रस ऐड करना है, और उसके बाद आपको इसमें 1 चम्मच आलू का रस ऐड करना है। अब आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक पैक बना लेंगे। अब ये पैक जहाँ भी मेरे डार्क स्पॉट्स हैं मैं उनको लगा लूँगी, क्योंकि इसमें है बेसन। बेसन फेस की ड्राइनेस दूर करके फेस को मॉइस्चराइजर करता है, और साथ ही साथ ऑयल कंट्रोल करता है और स्किन को लाइटन करता है। और आलू का रस डार्कनेस को दूर करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और आपकी अनइवन स्किन टोन को इवन करता है। और टमाटर में ABC विटामिन होते हैं, जो आपके डार्क स्पॉट्स को दूर करते हैं। अब इसको लगाने के बाद मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। ड्राई होने के बाद मैं इसको क्लीन कर लूंगी, और ये पैक आप हफ्ते में डेली भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूंगी। और इन डार्क स्पॉट्स को दूर रखने के लिए आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्क्रब और पैक अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सा नारियल का तेल लेकर वहाँ पर अप्लाई कर लूँगी, और 1-2 मिनट तक इसकी अच्छे से मसाज कर लूँगी, और उसके बाद आप 7 डेज में अपने डार्क स्पॉट्स को दूर कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।